रावण को मार के जब श्री राम प्रभु अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों के बाद नारद मुनि उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने रावण का वध तो किया लेकिन इसका आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, इसको आपको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। नारद जी ने श्री राम जी को एक परामर्श के रूप में एक सुझाव दिया कि उनके ऊपर से लगे ब्रह्म हत्या का पाप कैसे मिट सकता है, कैसे उनका प्रायश्चित हो सकता है। और इसी वजह से श्री राम जी काशी की परिक्रमा की है, पंचकोश की परिक्रमा की है, जिसमें 5 पड़ाव पड़ते हैं, जिसमें तीसरा पड़ाव हमारा रामेश्वर होता है। और यहीं पर उन्होंने एक रात विश्राम कर दूसरे दिन सुबह एक मुट्ठी वरुणा नदी के तट से एक मुट्ठी रेत उठाकर और शिवलिंग की स्थापना की। और यह एक मुट्ठी का रेत आज रामेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पंचकोश जो है वो करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।